you mm -hmm. नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं 24 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है मार्ग मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है अनुराधा नक्षत्र रात्रि सात बजकर के सैतीस मिनट तक इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है अतिगंड योग किंस्तुघ्न करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के तेईस मिनट से दोपहर बारह बजकर के छह मिनट तक का होगा वहीं काल। दोपहर एक बजकर के तीस मिनट से तीन बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज सूर्योदय से लेकर के रात्रि सात बज करके सैतीस मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है दिव्य महाप्रयोग में आज एक अद्भुत ज्योतिषीय चंद्रमा से संबंधित सूत्र पर हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे साथ ही साथ 29 नवंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु मेष में मंगल वक्र अवस्था में वृषभ में केतु तुला में तो वहीं बुध, शुक्र चंद्रमा और सूर्य ये चार ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं शनिदेव का संचरण मकर में और देवगुरु आज एक परिवर्तन के साथ मीन में ही वक्री से मार्गी हो रहे हैं

कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशि फल में करेंगे तो ये है ग्रहस्थिति इन्हीं ग्रहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशि फल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें उनतीस नवंबर दिन मंगलवार का स्नान का मुहूर्त प्रातः सात बजे से लेकर के आठ बजकर के बारह मिनट तक है लाल रंग का वस्त्र और साथ ही साथ यदि मूंगा रत्न धारण करना चाहते हैं तो प्रातः सात बज करके सैंतालीस मिनट से नौ बज करके बावन मिनट के बीच का मुहूर्त है बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो प्रातः छह बज करके पांच मिनट से प्रातः सात बज करके सैंतालीस मिनट के बीच का मुहूर्त है और किसी भी तरह के शल्य कर्म से आप जुड़ने वाले हैं कोई ऑपरेशन इत्यादि आपका होने वाला है तो प्रातः नौ बज करके बावन मिनट से ग्यारह बज करके सैंतीस मिनट के बीच मुहूर्त है इस दौरान आप अपना ये सभी कार्य पूरा कर करा सकते हैं प्रिय दर्शकों दिव्य महाप्रयोग में आज जिस दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करने वाला हूं ऐसा नहीं है इसका पूर्व में हमने जिक्र नहीं किया था लेकिन कुछ उदाहरण देकर के मैं आज आपको कुछ विशेष बातें ज्ञानवर्धक बातें विशेष करके आपकी जन्म कुंडली में भी होगा और संभव है कि जो ज्योतिष के मेरे प्रेमी दर्शक हैं उनके ज्ञान में ये सूत्र आज का वृद्धि कराने वाला है प्रिय दर्शकों मैंने कहा था सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए ताकि इस चीज को आप जान सके कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों जिस भाव में जातक उस भाव से संबंधित बातें बहुत 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 ज्यादा सोचता है बहुत ज्यादा अभी बीते दिनों मैं किसी महिला की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था तो मैं कुंडली देख ही रहा था लेकिन उनके प्रश्नों ने मुझे बार बार आश्चर्य में डाला उनके प्रश्न क्या थे शास्त्री जी मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा सोचूं, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा भय व्याप्त रहता है कि कहीं मेरे पति आत्महत्या तो नहीं कर लेंगे आज उनसे थोड़ी टेंशन हुई है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइजन वगैरह खा लेंगे कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा कहीं वो किसी और से तो नहीं जुड़ गए हैं तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है आपको पता है उन्होंने कहा नहीं मुझे पता नहीं शायद हम की कुंडली नहीं मिलाई गई थी इसलिए ऐसा हो सकता है प्रिय तो या जन्म कुंडली के जिस भाव में भी चंद्रमा हो जाता उसके बारे में केवल बुरे ख्याल करेगा नहीं यहां थोड़ा जवाब अलग है यदि चंद्रमा पाप ग्रह से विशेष करके राहु इत्यादि से युक्त हो राहु यादि से युद्ध हो दृष्टि से भी बात नहीं ज्यादा बनेगा युद्ध हो तो फिर उस अवस्था में जातक उस रिश्तों से संबंधित उस भाव से संबंधित केवल और केवल नेगेटिव विचार अपने मन में ले आएगा ऐसी ऐसी कल्पनाएं करेगा जैसे एक और सूत्र मैं आपको समझाता हूं उदाहरण से कि मैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख रहा था और वो क्षेत्र को लेकर के ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे कि अगर मैंने बदला और ये हो गया तो अगर मैंने नौकरी में ये बदलाव किया और कल को वो हो गया तो नौकरी ही चली गई तो आय तो बंद नहीं हो जाएगा मैंने लोन ले रखा तब तो मैंने कहा इतना टेंशन आप जो पाल रहे हैं आपको पता है इतनी चिंता आप क्यों कर रहे हैं तो सेम मैं प्रायः पूछ लिया करता हूँ आप मेरे कार्यक्रम कब से देख रहे हैं क्या एक सूत्र मैंने बताया था आपने कभी ध्यान दिया मैंने कहा आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के दशम में है लेकिन ये चंद्रमा पीड़ित है जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु या शनि इत्यादि से युक्त हो विशेषकर राहु में यह और ज्यादा देखने को मिलता है राहु और केतु में और ज्यादा केतु के बारे में तो आप मेरे कार्यक्रमों में एक नहीं कई एक बार आपने सुना होगा कि ऐसे व्यक्ति का मन कभी शांत हो ही नहीं सकता वो रात के दो बजे भी उठेगा तो उस समय भी उसके मन में कुतर्क तर्क वितर्क चलता ही रहेगा तो मैंने पूछा कि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आपने कभी मेरे कार्यक्रम में इसके बारे में सुना था उनकी जन्म कुंडली के दसम भाव में राहु और चंद्रमा की युति थी आप अपनी जन्म कुंडली को खेल खोलिए मैंने एक कार्यक्रम में अभी हाल फिलहाल बताया था कि अगर 90 प्रतिशत कुंडलियां उठा ली जाएं तो 90 प्रतिशत कुंडली में चंद्रमा किसी ना किसी तरह से आपको पीड़ित दिखाई पड़ेगा और जाहिर सी बात है किसी न किसी भाव में ही होगा अब वो भाव कौन सा है अच्छा कमाल का विषय स्त्रियों पर मैंने जब इस सूत्र को लागू किया तो ज्यादातर मामलों में स्त्रियां अपने रिश्तों को लेकर के चिंतित हो रही थी यानी चंद्रमा और राहु या चंद्रमा के पीड़ित होने पर जब मैंने उनके भाव विशेष पर विशेष मंथन किया तो वो ज्यादातर अपने रिश्ते को लेकर के चिंतित थी और पुरुषों के मामले में भी रिश्ते आ रहे थे लेकिन वो उससे ज्यादा अपने पैसन अपने कार्य को लेकर के चिंतित थे इसमें अगर हम और गहराई से आगे बढ़ें ये तो यहां तक की बात हो गई और गहराई से हम आगे बढ़ें और उस जातक के जिनकी भी आप जन्म कुंडली में सूत्र को रिसर्च करें अगर उनको देखें कि उनका जन्म जो नक्षत्र है वो स्त्रीलिंग है या पुलिंग है मैंने भी कुछ दिन पूर्व ही बताया था तो उससे भी पता चलेगा संभव है कि स्त्रीलिंग और पुलिंग से भी बहुत हद तक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे तो चंद्रमा जिस भाव में होगा जन्म कुंडली में जातक उस भाव से संबंधित चिंतन सदैव करेगा और यदि वो चंद्रमा पीड़ित हुआ तो उसके बारे में केवल और केवल नेगेटिव बात सोचेगा अगर ऐसा चंद्रमा मैंने उस समय जब उदाहरण दिया था तो पंचम के लिए लेकिन उस समय पाप ग्रह से युद्ध के लिए नहीं कहा था और पंचम ग्रह में भाव में है तो फिर ऐसी महिलाओं को ले लीजिए पुरुषों को ही ले लीजिए कि बच्चा बच्चे को लेकर घर से बाहर गया कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी तो ये चंद्रमा पीड़ित जब होंगे तो उस भाव से संबंधित बुरे ख्यालात मन में उत्पन्न होंगे आशा करता हूं यदि आपकी कुंडली में है तब तो आप मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आपको आपके ऊपर ही घटित हो रहा होगा तो उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं नहीं है तो फिर जिसके साथ भी वो आप आजमा करके देख लीजिएगा चलते हैं राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है शनिदेव के नक्षत्र में और गुरु का जो मार्गी काल है मैंने बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं कहा था मैंने कहा था धार्मिक कृत्यों पर खर्च करिए लेकिन दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा के अष्टम में होने के कारण और साथ ही साथ शनि के नक्षत्र में होने के कारण आज आप किसी ऐसी परेशानी में पड़ सकते हैं या कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट कर दे परेशानी आएगी वैसे तो गुरु का मार्गी होना आपके लिए कुछ मामलों में परेशानी लाएगा व्यर्थ का व्यय कराएगा कार्यक्षेत्र में कुछ ट्रांसफर इत्यादि की भी सूचना मिल सकती है लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रगति के साथ ही ट्रांसफर इत्यादि मिलेगा नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो जन्मस्थान से दूर जाकर के आपको कार्यक्षेत्र मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में सफलता की संभावना कम बन रही है या आप अपनी तैयारी के बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो कि आपकी क्षमता है व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं कोई बहुत विशेष श्रेष्ठ प्रदाय श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं कहूँगा कोई बड़ा निवेश अगर विचार कर करें तो अभी रुकिए आलस्य के कारण भी कुछ काम आपके बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं आलस्य भी आज आप प्रभावी रहने वाला है मन विचलित अशांत तो होगा ही प्रेमियों के लिए आज के दिन को सामान्य कहूंगा प्रेम विवाह से संबंधित मैटर पर यदि आप तत्व निर्णय लेने वाले हैं तो मेरी राय है भी रुकी धैर्य रखिए या कोई बहुत बड़ा अपने जीवन में बदलाव करने जैसा कोई निर्णय लेने वाले हैं तो भी रुकी विद्यार्थियों को अपने करियर को लेकर के चिंता सताने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में आलस्य रहेगा जिसके चलते कोई बड़ा आपका कार्य नुकसान में चला जाएगा स्वास्थ्य वैसे कोई दूसरा तो नहीं है कफ जन रोग की संभावना है खान पान पर नियंत्रण रखिए और शिवलिंग पर अगर हो सके तो गंगा जल अर्पित करिए लकी अंक एक लकी कलर के शरिया निवेश आप ना करें वृषभ के लिए गुरु के परिवर्तन को मैंने बहुत अच्छा कहा था मार्गी गुरु आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे और विलंब सही लेकिन आपकी आज हर समस्या का सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा यूं समझ लीजिए कि ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं गुरु भी आपके लिए लाभदायी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा गुरु का मार्गी काल आपके स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा पेट से संबंधित परेशानी आपको देगा बाकी वैसे देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं सफलता मिलने वाली है कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है योग लाभदायक बना हुआ है व्यापार से संबंधित यदि छोटी मोटी कोई यात्रा है तो यात्रा आप कर सकते हैं यात्रा का आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है जिद्द मत करिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं विशेषकर ये बात लागू करिए अपने दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी पर दबाव मत डालिए इससे परेशानी होगी वैसे दाम गुरु का जो मार्गिकाल हुआ है वो दाम्पत्य जीवन को हर तरह से सुरक्षित करेगा फिर भी लव लाइफ में भी कुछ अच्छी घटनाएं घटित होने वाली हैं जीवन साथी से आज आपको सुख मिलेगा खुशियां मिलेंगी और विद्यार्थियों को नए दोस्त मिलेंगे दिन अच्छा है हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा विशेष करके जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान रहते हैं तो आपकी यह परेशानी और बढ़ेगी पेट जन्य रोग की भी संभावना है जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करिए लकी लकी अंक एक कलर आप लिया झरा है निवेश इत्यादि करते हैं करें मिथुन के जातकों के लिए भी गुरु का परिवर्तन अच्छा है शनिदेव से भी आपको फा... चंद्रमा से भी आपको फायदा मिलेगा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करते हुए चंद्रमा आपको फायदा ही देंगे सकारात्मक व्यवहार के साथ आगे बढ़िए कार्यक्षेत्र में उच्च सफलता गुरु के परिवर्तन मार्गिकाल से और ज्यादा लाभ सुखद स्थिति यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो करिए और आप अपने शुभ चिंतकों का बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए उनकी कही बात को मानने की आदत डालिए जिद्द मत करिए कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है सहयोग मिलता रहेगा मन खुश रहेगा कार्य में सफलता ही मिलने वाली है बेरोजगार है तो नए सिरे से आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए रोजगार की दिशा में सफलता आपको मिलने वाली है हिम्मत बनाए रखिए और काम आगे करते चले जाइए सफलता मिलेगी धन उधार मत दीजिए प्रेमी के साथ संबंध बहुत अच्छा बीतने वाला है रहने वाला है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा लेकिन सफलता प्रदायक या यूं कहिए कि पुराना पूर्व का किया हुआ प्रयत्न भी आज आपको श्रेष्ठ परिणाम दिलाएगा स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है हां आज का दिन कहीं ना कहीं कंपटीशन वाला है प्रतियोगिता दिन भर चलता रहेगा आपके साथ तो थकान हो जाए पर स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं एक चम्मच दही खाइए और फिर पूरे दिन दौड़ते रहिए सफलता मिलेगी लकी अंक चार लकी कलर जामुनी निवेश आप करें कर्क के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं गुरु का मार्ग काल अत्यंत श्रेष्ठ पंचम का चंद्रमा भी आपके लिए ठीक ही है कुछ थोड़ी बहुत परेशानियों को छोड़कर जीवन साथी के साथ थोड़ी परेशानी आने वाली है दाम्पत्य जीवन में परेशानी बाकी करियर में कहीं कोई चिंता नहीं परिवार के मध्य चल रही अनबन के कारण दिक्कत हो सकती है वैसे गुरु का मार्गिकाल आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने वाला है नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन कह ही सकता हूं कि बहुत बढ़िया है कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं ये बदलाव आपके जीवन के हित में ही है योजना योजना बना करके काम करिए योजना अपने मित्रों से, से शेयर करिए इसका आपको फायदा मिलेगा मन को जितना हो सके एकाग्र चित रख करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए दिन बहुत बढ़िया है फैसला जितने भी कठिन सारे फैसले हैं वो आज लीजिए धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा धन लेन देन के दृष्टिकोण से आपको सचेत रहना है और मन आज आपका बस शांत रहे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं विवाद से बचना है प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है खुशी मिलेगी विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से आज थोड़ा भटक सकता है हालांकि गुरु की दृष्टि से अंततोगत्वा आपको परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा आटे में थोड़ा शक्कर डाल करके आज गाय को दे दीजिए लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश करिए के जातकों को सचेत रहना होगा मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही आज आप कितना शांत रह सकते हैं कितना विनम्र रह सकते हैं इसी पर सब कुछ टिका हुआ है माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा गुरु का परिवर्तन माता के स्वास्थ्य में अंतर तो लाएगा लेकिन फिर भी समस्या रहेगी एक अच्छी बात यह है कि गुरु का परिवर्तन बहुत आपके लिए अच्छा नहीं परंतु गुरु का यह मार्गिकाल आपको आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करके देगा यह अच्छी बात है कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी या यूं कहिए कि मेहनत की ही स्थिति रहेगी पर कदम आगे बढ़ाइए आप जोखिम मत लीजिए पर कदम आगे बढ़ाइए सफल रहेंगे ज्यादातर काम समय से पूर्ण हो जाएंगे हालांकि मैं जानता हूं कि इसके लिए आपको प्रयत्न बहुत ज्यादा करना पड़ेगा पर फिर भी जो आपके अधीनस्थ हैं उनका अपमान मत करिएगा किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा और व्यापारियों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ करके के लेना है बल्कि जो अनुभवी हैं जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे सलाह लेकर ही करिए कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए किसी का अपमान मत करिए और जितना हो सके बल्कि अगर, अगर अभद्रता भी आपके साथ हो रही है तो प्यार से ही जवाब दीजिए प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज सोच समझ करके कर सकते हैं नए संबंधों की शुरुआत के लिए दिन को सामान्यतः ठीक कहा जाएगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे ना हटे तो फल ठीक ठाक मिल जाएगा बहुत अच्छा नहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफजन्य रोग पेट से संबंधित परेशानी और कोई पुराना रोग भी परेशान करेगा तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा लकी अंक एक लकी कलर आपके आज मेजेंटा है निवेश से बचिए कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है दिन शुभ है गुरु का परिवर्तन भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो उसमें राहत आपको मिलने वाली है व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है कुल मिलाकर के दिन शुभ शकुन और शुभ सूचनाओं से भरा पड़ा है नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा कार्यस्थल पर जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा ज्यादा धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गैर कानूनी काम आज मत कर बैठिएगा गुरु का परिवर्तन वैसे तो आपके हक में है तो बस इतना ही ध्यान रखिए चंद्रमा का राशि से आपके तृतीय में होना हर तरह से स्थिति अच्छी है बस गलती कुछ करने की जरूरत नहीं है लापरवाही करने की जरूरत नहीं है विशेषकर ज्यादा कमाने के चक्कर में गलती मत करिएगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा प्रेमियों के साथ प्रेमियों के लिए आज का दिन हर तरह से बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहा जाएगा विद्यार्थी वर्ग आज जरूर थोड़ा चिंतित होता दिखाई पड़ रहा है पर परेशान होने की जरूरत नहीं है सफलता प्रदायक है दिन स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं हां आंखों से संबंधित परेशानी यदि पहले से है तो अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और जल में थोड़ा केसर डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा लकी अंक तीन तीन लकी कलर आपके लिए सफेद है निवेश अवश्य करिए तुला के जातकों को भी लमसम ठीक ही मिलने वाला है गुरु के परिवर्तन से सकारात्मक विचारधारा के साथ उत्साह के साथ आगे बढ़िए ईमानदारी बेहद आवश्यक है स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिएगा गलत खान पान नहीं धूम्रपान से बचिए और वाणी पर भी नियंत्रण बेहद आवश्यक है ऋण से प्रशांत थे तो मुक्ति का मार्ग बनेगा कार्य आपके आसानी से निपटेंगे नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा हाँ ये अलग बात है कि उच्च अधिकारियों की ओर से प्रेशर लगातार बना रहेगा काम ज़्यादा जवाबदेही थोड़ी ज़्यादा आपको की रहेगी पर ठीक है काम आपके बनेंगे धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे यात्रा कर सकते हैं सचेत होकर के करिए पर कर सकते हैं और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए सावधान होकर के और सबसे जरूरी मूल मंत्र तो यही रहेगा कि वाणी पर नियंत्रण रखिए तो जितना मीठा बोल सकते हैं वो बोलिए है। मीठा बोल के ही आपके सारे काम बनने वाले हैं लव लाइफ के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा जीवन साथी से आज आपको प्यार मिलेगा जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिल जाएगा धन संबंधी मामलों में भी जीवन साथी से मदद मिलने वाली है और विद्यार्थियों की बात करी जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है आंखों का पेट का थोड़ी परेशानी जल में कुसा डाल करके अगर आपके पास है तो शिवजी पर चढ़ाइए इससे फायदा मिलेगा लकी अंक दो लकी कलर सिंदूरी है निवेश भी करें और वृश्चिक का मन अशांत तो जरूर रहेगा लेकिन गुरु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा है गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व तो पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा सो महत्वपूर्ण तो कदम जो उठाने हैं उठाइए लाभ थोड़ा कम भी मिले लेकिन सफलता आने वाले दिनों में मिलेगी सो कदम उठाने के लिए दिन ठीक है नौकरी पैसा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कूंगा कार्यक्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता है नौकरी में यदि ट्रांसफर की स्थिति बनती है तो पदोन्नति के साथ ही बनने वाली है यानी ऐसी कोई सूचना मिलती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं ये सब कुछ ठीक है व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है लाभ के लिए यदि आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए योग लाभ का ही बन रहा है किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी और बिन मांगी सलाह भी नहीं देनी है दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखमय दिखाई पड़ रहा है प्रेम संबंध में विवाद की थोड़ी स्थिति जरूर बनेगी लेकिन अंततः आप उसे संभाल लेंगे जो अविवाहित हैं वो विवाह का प्रपोजल आज न भेजें और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है गुरु गुरु का परिवर्तन भले मन थोड़ा शांत रहेगा पर हर पाठ्यक्रम में आपका समय थोड़ा देर तो हो ही जाएगा इधर उधर करके भी पूरा हो जाएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो भूख न लगने की शिकायत होगी पंचम का गुरु पेट से संबंधित परेशानी रहता है तो डाइजेशन की शिकायत आपको होगी आज पंचामृत बनाइए और वो पंचामृत शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए लकी अंक आपके लिए पांच लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश करें तो वहीं धनु के जातकों के लिए मानसिक अशांति परंतु गुरु के परिवर्तन से लाभ हर मामले में एक चुनौती आपके सम्मुख मुंह बाए खड़ी रहेगी पर अच्छी बात यह है कि हर तरह की चुनौती को आप अंततोगत्वा पार कर जाएंगे परिस्थितियां बहुत हद तक आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रही हैं पर अच्छी बात यह है कि आप हर तरह की जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए हर तरह की परिस्थिति को पार करते हुए अंततोगत्वा विजय हासिल करेंगे सफल हो जाएंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा बस यात्रा बहुत सोच समझ करके करिएगा आज आपका हर कार्य प्लानिंग के साथ होना चाहिए अत्यधिक धन लाभ कमाने के चक्कर में कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा कोई गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा और अपनी कोई गुप्त बात किसी से, से, से शेयर मत करिएगा जीवन साथी से आज आपको उपहार मिलने वाला है जीवन साथी का साथ मिलेगा जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं और विद्यार्थियों की बात करूं तो घर में रहकर कहीं पढ़ाई जितना हो सके अच्छे से करिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है तो वहीं चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है आज जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके और वो इत्र मिश्रित जल देवी के चरणों में देवी को अर्पित करना है अब देवी के मंदिर में संभव नहीं कि उनको चढ़ाया जा सके तो वहीं देवी के सम्मुख नीचे गिरवा दिया कोई पात्र रख करके लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए महरून, महरून है और और वही जल अपने आँख में और नेत्र में नेत्र सर लगाइएगा निवेश से बचिए मकर के लिए गुरु का परिवर्तन भी अच्छा है बाकी गोचर कुंडली की स्थिति भी अच्छी है हर तरह की परेशानी से मुक्ति का मार्ग आप स्वयं ढूंढ के लाएंगे मन प्रसन्न आर्थिक परेशानियां खुद ब खुद हल होती दिखाई पड़ रही हैं कार्य विलंब से होंगे लेकिन सभी कार्य वक्त आप अपने मेहनत से अंतोगत्व पा लेंगे सफलता आपको मिलेगी बॉस भी आज आपके काम से खुश होते दिखाई पड़ रहे हैं यानी ये बड़ी उपलब्धि है आपके नाम कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा विशेष करके वो सभी लोग जो नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनका बहुत अच्छा दिन है बात बनती दिखाई पड़ रही कहीं नई नौकरी मिलती दिखाई पड़ रही और वहीं जो वो लोग जो व्यापार विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं या निवेश कर रहे हैं आपका बिल्कुल सही फैसला है तरक्की आपको मिलने वाली है आज का दिन आपको फायदा दे देगा कहीं पैसा आपका रुका हुआ था फंसा हुआ था वो वापस आता दिख रहा है फलतः अगर चिंता थी धन की तो वो चिंता दूर हो जाएगी किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से आपको बचना है घुमा फिरा करके कोई बात नहीं कहनी लव लाइफ संतुष्टि संतुष्टिजन्य तालमेल बिल्कुल बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन खुशहाल सुखद विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस होइए यहां पर चिंता दिखाई पड़ रही है बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान तो देना ही होगा पेट में जलन की शिकायत भी संभव है तो खानपान पर भी नियंत्रण रखिए और आज सभी मकर राशि के जातक इत्र का प्रयोग करें स्वयं में कोई इत्र लगाएं परफ्यूम इत्यादि लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए पिंक है निवेश करें तो वहीं अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में कुंभ के लिए भी दिन बढ़िया है कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं करिए कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए व्यापारी की यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी कर्मचारियों के कारण कमी के कारण अगर परेशान थे तो ये परेशानी भी बहुत हद तक दूर होगी हालांकि एक मूल बात आपको बता देता हूं कि आज शांत रहने का प्रयत्न करेगा गुरु का जो परिवर्तन हुआ है आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट सत्यता उत्पन्न होगी जिसको मैं कड़वाहट के रूप में देख रहा हूं लाभ के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं नौकरी में अगर कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे मन बना रहे हैं तो कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे लोग आज आपके लिए आपके दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे गुरु का परिवर्तन आपके लिए ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है धन से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी धनागमन महाधन योग का निर्माण गुरु कर रहे हैं और गोचर कुंडली की स्थिति भी आपके पक्ष में है सो काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला घर का माहौल भी लगभग खुशनुमा ही दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी से पीड़ित है तो उससे आपको राहत मिलेगी बहस विवाद से आपको दूर रहना है प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है कहीं घूमने के लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं जो अविवाहित हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं और विद्यार्थी वर्ग की बात करी जाए तो दिन ठीक है गोचर कुंडली की स्थिति गुरु की स्थिति आपके शिक्षा में आपके लिए सहयोगी होगी पुरानी गलतियों को भी सुधारने का प्रयत्न करिएगा आने वाले दिन तो आपके लिए अच्छा है ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा और आज प्रातः काल ही भगवान श्री हरिनारायण के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइएगा लकी अंक तीन लकी कलर का थी निवेश भी करिए मीन के जातकों के लिए हंस महापुरुष योग का निर्माण गोचर कुंडली में गुरु तो कर ही रहे हैं परिवर्तित होकर के मार्गी अवस्था में और अच्छा और बाकी की भी ठीक है हर कार्य की समीक्षा करते हुए आगे बढ़िए पिता के साथ मनभेद या मतभेद मत, मत करिए पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की सुनिए कोई करीबी दोस्त चाहे वो कितना भी करीबी क्यों न हो उससे अपनी गुप्त बात शेयर मत करिए और किसी को धन उधार मत दीजिए कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया मान सम्मान मिलने वाला है समृद्धि है आपके जीवन काल में सब कुछ ठीक है व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलता दिखाई पड़ रहा है कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है आज आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करने की सोचेंगे बस आपको जिद्द नहीं करना किसी भी मामले में जीवन साथी से प्यार से पेश आइएगा वाद विवाद की संभावना गृह कलह के रूप में घर में ही दिखाई पड़ रही है तो इसको जरा लेकर के चलिए ठीक से संबंध में खटास उत्पन्न ना हो प्रेम संबंध में भी ये बात लागू रखिएगा प्रेम विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है हा पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल आप रखिएगा लकी अंक तीन लकी कलर आपके आज गुलाबी है और सभी मीन राशि के जातक शिव चालीसा का पाठ या श्रवण कर लें निवेश भी आप कर सकते हैं तो प्रिय दर्शकों यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार